जाना है मुझे। नमस्कार दोस्तों, आपको आज सरस्वती और बसंत पंचमी पे हार्दिक शुभकामनाएं। आज से बसंत ऋतु का आगमन हो जाएगा और हमने आज बसंत ऋतु के उपलक्ष्य पे एक सप्तपर्णी का पेड़ यहाँ लगा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने तो आज सप्तपर्णी का पेड़ लगाया जा रहा है कि बसंत पंचमी है तो बसंत पंचमी के दिन पेड़ लगाना जरूरी है। और ये दीवार से बड़ा देखिए, और आप लोग से भी अनुरोध है कि आप भी अपने अपने जहाँ पर लोग हैं अपने आसपास कोई ना कोई पेड़ लगाइए, क्योंकि अभी लगाएंगे तो आपको गर्मियों में हरा हरा सा महसूस होगा ग्रीनरी, क्योंकि गर्मी जब आती है तो गर्म हवाएं और लू बहता है तो लोग पेड़ का छाया और पेड़ दिखना पसंद है। तो अभी अभी आप अगर पेड़ लगाएंगे तो आपको गर्मियों तक हरा भरा दिखेगा। और आप लोग को इस बसंत ऋतु पे ठीक है संदीप भाई, नेक्स्ट बार आ जाइएगा। आज हमारे कई सदस्य नहीं आ पाए, दूर से आने वाले थे, लेकिन हमने कहा भाई कि बसंत पंचमी है, जब हम हर संडे हर त्यौहार पे पेड़ लगाते हैं तो आज भी पेड़ लगना चाहिए। और यहाँ और चारों तरफ सरस्वती पूजा का धर्म है, धूम है, सब लोग आज सरस्वती पूजा मना रहे हैं। विद्या की जो देवी हैं, बुद्धि की देवी, सबको भगवान सद्बुद्धि दें और सरकार को भी सद्बुद्धि दें कि सड़क के किनारे पेड़ों को कम काटे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। और जिस तरह पब्लिक का जनसंख्या होता है, वैसे पेड़ों का भी एक डाटा बनना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास एक डाटा हो कि हमारे पास इतने पेड़ हैं और इतने बचे हुए हैं और इतने कट रहे हैं और कितने और लगे हैं और कितने बचे हुए हैं। क्योंकि जब तक इनको गिना नहीं जाएगा, अंदर ही अंदर हम देखते हैं कि हाईवे से जा रहे थे, हमने देखा एक महीने पहले खूब सारे पेड़ लगे थे वहाँ, और वहाँ पे फिर जैसे उस पर फ्लाईओवर बना सारे पेड़ गायब हो गए। तो ये पब्लिक को भी मानना चाहिए। और हम मेरे जो RTI फाइल करते हैं दोस्त, उनसे कहूँगा कि जहाँ जहाँ हाईवे बन रहे हैं वहाँ पर RTI लगाइए, कितने पेड़ थे, कितने काटे गए और कितने लगाए गए। मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कि एक डिवाइडर है वहाँ पे, बड़े बड़े नीम थे, सेमल था, उसको नया डिवाइडर बना के उनको काट दिया और छोटे छोटे बोगनविलिया फूल का पौधा लगा दिया। तो हमारे जो बड़े नीम हैं, पीपल हैं, बरगद हैं, उनका काम ये बोगनविलिया का बेल या फूल का काम नहीं करेगा ऑक्सीजन का। आप जब भी आओ अक्षरधाम देखो, आप अक्षरधाम मंदिर से लेके जो मेरठ तक का 14 लेन का बन रहा है, सरकार ने काम अच्छा किया, ठीक है, जाने आने के लिए काम ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ 14 लेन की जगह 16 लेन करके 2 लेन पेड़ों का कर देती तो बहुत अच्छा काम होता है। जैसे आप अगर परीचौक तक, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से आप परीचौक तक जाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा ग्रीनरी का ध्यान दिया गया है कि रोड के दोनों साइड पेड़ हैं, बीच में डिवाइडर पे भी पेड़ है। और हाँ इतना, और ये राजीव जी हमारे गड्ढा खुद गया है, ठीक है। राशिद खान जी मथुरा में है, दिल्ली आइए, बहुत छुट्टी हो गया। तो यही अनुरोध है कि जो जो अब शहर हमारे कंक्रीट होते जा रहे हैं, आप अपने जिला गांव में तो अभी भी ठीक है, किसान खेत में मटर गेहूं धान लगा रहा है तो कुछ फसलों से भी ऑक्सीजन मिल जाता है और वायु प्रदूषित नहीं होती है और गाड़ियां भी शहरों की अपेक्षा गांव में कम है। लेकिन शहरों का हालत जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मैं एक की नहीं बात कर रहा हूँ, मथुरा, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, यहाँ का बुरा हाल हो रहा है।
यहाँ पे गवर्नमेंट पटरियाँ बिछा रही है। अब गडकरी साहब जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं जब हाईवे बनाऊंगा तो किनारे फलों का पेड़ लगाऊंगा और युवाओं को उसको देखभाल के लिए बोलूंगा और उससे जिससे रोज़गार मिलेगा और फलों फल बिकेंगे। आज कहाँ दिख रहे हैं, किस हाईवे पे मुझे कहीं फल नहीं लगता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट वादा कर देती है लेकिन बाद में भूल जाती है। और सप्तपर्णी का पेड़ है, इसकी खासियत है कि ये जब ठंड होती है तो इसमें खूब अच्छे फूल निकलते हैं और ये दूर दूर तक खुशबू देता है और वातावरण शुद्ध रहता है। थोड़ी जहाँ गंदगी बदबू आती है पूरी रात ये अच्छा महकता रहता है और ठंड में बहुत अच्छा। इस पेड़ को हमने लगाया तो हमने सोचा कि आपको इस पेड़ के बारे में बताएं। तो जो जो पेड़ लगाते हैं उससे क्या क्या फ़ायदा है वो आपको बताया जाए। और जो जो लोग भाई आप लोग हैं, हम तो कहें एक एक पेड़ हर साल ना लगाइए, 100-100 पेड़ लगाइए, क्योंकि अगर 1 करोड़ लोग हम ढूंढ रहे हैं, 1 करोड़ लोग मिल जाए जो 100 पेड़ लगा सकें तो हमारा 100 करोड़ का टारगेट हर साल पूरा हो जाएगा। और अगर उससे कम भी होते हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि एक आदमी है, एक पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती महीने साल में। हम कह रहे हैं कि एक आदमी 100 पेड़ लगाए। और ना आप हमेशा लगाइए, बरसात का सीज़न होता है उस टाइम आप लगा लीजिए। राशिद भाई ठीक है, शादी में एंजॉय कीजिए, आइए, कोई नहीं, ठीक है। कोई बिजी हो जाता है, काम पड़ जाता है, आप लोग नहीं आ पाते हैं, और जब भी मौका मिलिए आइए। हमारा तो हम तो कहते हैं कि हमारे टीम का अगर 2 मेंबर भी है तो पेड़ लगाया जाए, क्योंकि दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो रहा है। और खींचिए कस के, और पिछली बार हमने पेड़ लगाए थे, बारिश हुई, पेड़ों के लिए अच्छा है। अब देखिए और ये हमारा पेड़ लग गया है, इसको थोड़ा घुमा दीजिए, ये चीज़ उधर जाए तो उधर उधर रहेगा, दीवार से सपोर्ट रहेगा। हाँ, और ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, हाँ बस। थोड़ा सा और मोड़ दीजिए, थोड़ा घुमा दीजिए, पूरा चिपक जाएगा ना दीवार से। हाँ, ऐसे बांध देंगे ना, खींच के बांध देंगे। और देखिए बड़े बड़े पेड़, और बड़े पेड़ लगना चाहिए और ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ये जो पेड़ जल्दी हो जाएंगे। अब ऐसा पेड़ है कि मैं इसके नीचे खड़ा होता हूँ तो ये पेड़ है, इसके नीचे देखिए राजू जी खड़े होते हैं, आप बैठते हैं तो इसकी छाया मिलती है, तो हम लोग छायादार लगा रहे हैं। हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि पेड़ जब बड़ा होगा तो छायादार होगा। और कुछ जानवर होते हैं जैसे बकरी होती है, अगर नीचे पत्ते होंगे तो खा लेगी। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि जो भी पेड़ लगाएं कम से कम अपनी हाइट से ऊपर, 10 फुट से ऊपर लगाएं, ताकि वो मात्र 6 महीने साल भर में एक पेड़ बन जाए और अच्छा ऑक्सीजन देने लगे, क्योंकि छोटा पौधा ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देता या जल्दी फल नहीं देगा। अगर हम बड़े पेड़ लगाएंगे तो जल्दी वो बड़े हो जाएंगे और ऑक्सीजन देंगे। ममता श्रीवास्तव जी धन्यवाद देखने के लिए, राकेश वशिष्ठ जी देखने के लिए, आप लोग इस चीज़ को शेयर भी कीजिए। हर कोई आज सरस्वती देवी का पूजा कर रहा है, पूजा करना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम इस प्रकृति का पूजा इस तरह भी कर सकते हैं, एक पेड़ लगा रहे हैं तो ये भी हमारा एक सरस्वती जी के लिए, भगवान के लिए पूजा ही है। कर्म, कर्म कहते हैं कि धर्म से भी बड़ा होता है, कर्म करिए तो एक एक इसमें भी भगवान का, हर कण कण में भगवान है। तो
सरस्वती पूजा कीजिए, बसंत पंचमी मनाइए, साथ में पेड़ लगाइए। और आज से आप लोगों को एक सूर्यदेव की नई एनर्जी, हरी हरी पत्तियां निकलती हुई, खुशनुमा आप लोगों को मौसम दिखाई देगा और पूरे बसंत एक महीने तक आप लोगों को थोड़ी एक अच्छी एनर्जी दिखाई देगी। और आप लोग अपने घर पर, आप लोग की जगह नहीं है फिर भी आप, कहता हूँ कि मधुमालती लगाइए। अगर आपके पास वो बेल है, आपके पूरे घर पे हरी हरी पत्तियाँ दिखेंगी, तो आप जब सुबह आँख खोलोगे और हरी हरी चीज़ों का दर्शन होगा तो आपको बहुत सुंदर फील होगा, जैसे लगेगा कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया। तो हमारा तो एक है कि आपके घर में मंदिर हो, मूर्ति ना हो, लेकिन एक पेड़ ज़रूर हो। धन्यवाद रोहित जी देखने के लिए, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, आपको जो जो देख रहे हैं लोग, और उसको शेयर कीजिए कि लोग हमारा इसी तरह बसंत पंचमी मनाएं। और हमारे टीम के लोग काफ़ी कहीं कहीं काम हो गया, उन लोगों को आ नहीं पाए, लेकिन हमने कहा भाई कि कुछ भी हो, कोई आए ना, एक आदमी भी होता है तो एक पेड़ ज़रूर लगे हर त्यौहार पे, छुट्टी पे। और ये देख लीजिए, ये वाल है, वाल के ऊपर तक हमारा पेड़ आपको दिखेगा। और राजू जी खड़े हैं तो पेड़ उसके नीचे, पेड़ के नीचे खड़े हैं तो दिख रहा है कि अगर ये गर्मी में हम आते हैं तो इसके नीचे खड़े होकर धूप से बच सकते हैं। और आप भी जल्दी से जल्दी पेड़ लगाइए, जंगल बनाइए हमारे शहरों को, जो कंक्रीट का जंगल बन गया उसे पेड़ों का जंगल बनाइए। क्योंकि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन जो कर रही है, हमने अपने पोस्ट में आप लोगों को बताया था कि आप दिल्ली रेलवे स्टेशन जाके देखिए, वहाँ उसके सामने बहुत बड़े बड़े पुराने पिलखन के पेड़ थे, उन पेड़ों को उन्होंने काट दिया है और वहाँ पे मोटा सीमेंटेड फर्श बना दिया। अब भाई आपने काटा तो भाई हमको पेड़ लगाना, तो हम पेड़ कैसे लगाएंगे? और ये देखिए राजू जी इसके साथ, पेड़ के साथ कितना अच्छा लग रहा है इसको छूने में और देखने में। और ये कोशिश करेंगे गर्मी में जब धूप लगेगी कस के तो पेड़ और बड़ा होगा, बरसात में इसका डबल हो जाएगा बरसात के बाद तक का। और तो मैं ये कह रहा था, सरकार जो भी, अगर कोई सरकार के मुआइंदे या कोई मंत्री या सरकार कोई भी देख रही है, आप लोग इतना इस चीज़ को शेयर कीजिए कि सरकार के कानों तक जाए। जो ठीक है, आप विकास कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पेड़ काट कर पर्यावरण को क्षति पहुंचा के अगर कोई विकास हो रहा है, वो विकास हमें नहीं चाहिए। हमारे पहले पुराने ज़माने के पतले रोड ही अच्छे थे, कम से कम हमें शुद्ध हवा तो मिलती थी, लेकिन अब हम इतने विकास कर गए कि अब हमें शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है। और इस चीज़ को देखिए, हमने उधर से स्टार्ट किया था, उधर पेड़ लग गए, अब इधर से हम चलते जा रहे हैं। और ये देखिए पूरा जगह खाली है, इसको हमें पेड़ से पूरा वहाँ तक भर देना है, ताकि ये जो भी स्टेडियम पार्क है थोड़ा हरा भरा दिखे। देखिए यहाँ लोग खेल रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग, किसी को होश नहीं कि यहाँ पे पेड़ भी लगना चाहिए, कि हम सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं या शाम को घूमते हैं तो हमें शुद्ध हवा मिले। तो यही है, हम लोगों ने उधर भी कुछ पेड़ लगाए हैं, आप लोग देख सकते हो, एक दबा के एकदम ऐसे नहीं दब पाएगा, नहीं ऐसे ठोक और आगे करके ना, आगे को निकालिए, एकदम चिपका है इस पे, हाँ कि थोड़ा स्पेस ना हो के अंदर घुस पाए, ऐसे मोड़ देंगे इसको। चलिए बंद करते हैं, ठोकते हैं।